नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 8, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड, जो कि ये लास्ट वीडियो है। इसका समरी है, जिसमें हम लोग फटाफट सारे लाइन को देखेंगे। तो देखिए, APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास तमिल फैमिली से था, जहाँ रामेश्वरम में था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, उनकी माता का नाम अशियम्मा, और वो हर रोज़ कितने लोगों को भोजन कराती थी। और उनके 3 भाई बहन थे, उनके 3 भाई बहन थे, उनमें से ये एक थे। और वो उनके पिता एकदम सिंपल सादे सीधे साधे इंसान थे, और वो पक्का हाउस में वो लोग रहते थे, पैतृक घर में। जब वो 8 साल के थे, तो उस वक्त 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और इस वजह से उनको उस वक्त टैमेरिंड मतलब इमली के बीज की कमी पड़ गई थी। तो वो इमली के बीज को कलेक्ट करते थे और बेचते थे, जिनको एक अन्ना मिलता था। और उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, ये सारे युद्ध का जो न्यूज़ है वो बताया करते थे उनको। और इसमें वो बताते थे कि एलाइड फोर्सेस की तरफ से इंडिया भी उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। और इस वजह से क्या होता था, युद्ध के चलते कोई कैजुअल्टी नहीं होती, लेकिन रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन आती थी, वो न्यूज़पेपर का जो बंडल फेंक कर जल्दी से चली जाती थी। तो इसको उठाने के लिए शमसुद्दीन जो कज़न था उनका, उनको उसको हेल्पर की ज़रूरत थी। तो मैंने वो बोलते हैं कि मैं हेल्प करता था, और वो उसने मुझे भत्ता दिया था, वो मेरी पहली कमाई थी, जिसे कमा कर मुझे बहुत गर्व हुआ था। और फिर ये इस वाले पैराग्राफ में बताते हैं कि मेरे 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, और उन्होंने अपने माता पिता से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट किया था। और ये जो तीनों थे, एक अच्छे ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से थे इनके दोस्त। और इनका जो परिवार था APJ अब्दुल कलाम का, वो श्री राम कल्याण सेरेमनी में अपने बोट को अरेंज करते थे, ताकि वहाँ से मूर्ति ले जा सके। और उनकी दादी माँ रामायण और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उनको बताया करती थी। जब वो 5 क्लास में थे, तो रामेश्वरम के एक स्कूल में शिक्षक आया, और वो टोपी पहनते थे, तो इस वजह से उनको लगा कि कैसे ये हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़का दोस्त है सब। इस वजह से उन्होंने उस टीचर ने उनको APJ अब्दुल कलाम को पीछे जाके बैठने को कहा, जो कि उनको बहुत बुरा लगा, और उनके दोस्त को भी, रामानंद शास्त्री को। और फिर उन लोगों ने अपने जाके माता पिता से शिकायत की, और लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामानंद शास्त्री के पिता थे, उन्होंने अपने शिक्षक को बुला के डांटा और बोला कि इस तरीके का भेदभाव हम बच्चों में मत बांटिए। और जो जिस समाज में रहते थे, वहाँ पे सोशल ग्रुप के लेकर अलगाव था, अलग अलग तरीके से। लेकिन उनमें से एक शिक्षक थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जिनकी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ कंजर्वेटिव थी, बहुत ही रूढ़िवादी थी। लेकिन जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि इस सारे बैकग्राउंड जो है, सोशल बैरियर है धर्म को लेके, उन सब चीज़ों को तोड़ना चाहते थे। और इस वजह से वो हमारे साथ घंटों बिताते थे, और बोलते थे कि मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि तुम एक बड़े शहर में हाईली एजुकेटेड पीपल बन सको। और फिर क्या होता है, सुब्रमण्यम अय्यर उनको एक बार भोजन के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी डरी हुई थी कि कैसा मुस्लिम लड़का है, मैं अपने पवित्र किचन में नहीं बुलाऊंगी। तो और उसने खाना देने से भी उनको मना कर दिया था। इस वजह से सुब्रमण्यम अय्यर खुद गुस्सा ना करके उस पर खुद ही उनके लिए खाना परोसते हैं, और उनको खिलाते हैं, और उनको उनके साथ बैठकर खाते हैं। और बाद में फिर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर फिर नेक्स्ट टाइम भी, अगले सप्ताह भी बोलते हैं कि आने के लिए खाने, लेकिन मैं हिचके जाता हूँ, इस वजह से वो बोलते हैं कि दुखित मत हो,
जब तुम कोई चीज़ में सुधार लाने की कोशिश करते हो, बोलते हैं वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी ही, फेस करना पड़ेगा और तुम, और फिर क्या होता है अगले सप्ताह जब वो विज़िट करते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी खुद उनको बुलाती हैं और घर के अंदर ले जाती हैं और उनको अपने हाथों से खाना परोसती हैं। और तब तक से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की जो आज़ादी थी प्रसिद्ध होने लगी थी, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। और गांधी जी भी बोल दिए थे कि भारतीयों को अपना भारत बनाना है, और पूरे देश में एक आशा की किरण भर गई थी कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं। और फिर तब मैंने अपने पिताजी से रामेश्वर छोड़कर रामानंदपुरम डिस्ट्रिक्ट में जाने का फ़ैसला किया हायर स्टडी के लिए। तो यही था दोस्तों कि उसमें कहते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बताए हुए हैं APJ अब्दुल कलाम, किस वो एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनकी माता का नाम अशियम्मा था, उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, उनके तीन भाई बहन थे लोग जिनमें ये सबसे यूनिक थे, और ये अपने पैतृक घर में रहते थे। और जब ये 8 साल के थे तो उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त टैमारिंड सीड की कमी हो पड़ गई थी, तो ये इकट्ठा करते थे और जाके बाज़ार में बेचते थे तो एक अन्ना मिल जाता था। और साथ ही अपने कज़न के साथ जो शमसुद्दीन था उसके साथ अखबार भी बेचा करते थे, और उससे जो पैसा होता था वो पहले उनकी कमाई होती हुई थी, तो इसके लिए वो बहुत प्राउड फील करते थे। और इनके तीन दोस्त थे रामानंद, अरविंदन और विजय प्रकाशन, सॉरी विजय प्रकाशन नहीं लक्ष्मी शिव प्रकाशन था। ये तीन दोस्त हैं उनके जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे। और एक बार क्या होता है कि इनके यहाँ एक शिक्षक आते हैं इनके टीचर पढ़ाने, और यही चीज़ भेदभाव कर देते हैं हिंदू मुसलमान में, जो कि इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और इस वजह से ये लोग अपने माता पिता से जाके कहते हैं, और वहाँ पे उनको शिक्षक को बुलाकर इनके माता पिता उनको समझाते हैं, डांटते हैं और बोलते हैं कि ऐसा इनइक्वालिटी जो है और कॉमन इनटॉलरेंस इस सब चीज़ बच्चों में बढ़ावा ना दें, आप पढ़ाएं अच्छे से, बच्चों को ऐसा चीज़ ना सिखाया। और जिस सोसाइटी से आते थे APJ अब्दुल कलाम वहाँ पे बहुत ही सोशल ग्रुप में अलगाव था, लेकिन उनके एक शिक्षक थे जिसका नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था, जो कि बहुत अच्छे टीचर थे, इनको पढ़ा लिखा के हाईली एजुकेटेड पीपल बनाना चाहते थे, और ये इन सब चीज़ों को पे नहीं ध्यान देते थे, जैसे कास्ट रिलीजन को लेके ये सब नहीं ध्यान देते थे, और वो चाहते और वो हमेशा घंटों बात किया करते थे कलाम साहब से। और एक बार तो उन्होंने अपने घर पे भी बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी इससे खुश नहीं थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर पे आया और खाना खाए, लेकिन सुब्रमण्यम अय्यर इस चीज़ से वो दुखित नहीं हुए, ना ही गुस्सा हुए अपनी पत्नी पे, बल्कि खुद अपने हाथों से खाना परोसा और उनको खिलाया और उनके साथ बैठ के खाया, और फिर अगले हफ्ते खाने के लिए भी फिर बुला दिया। लेकिन उनके हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने एक सीख दी कि अगर तुम किसी चीज़ किसी सिस्टम को चेंज करना चाहते हो तो तुमको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, तो डोंट बी वरी, मतलब चिंता मत होना। फिर उसे सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ अगले सप्ताह जब जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से पेश आती है उनके साथ, और उनको अपने किचन में ले जाके अपने हाथों से खाना बना के परोस के खिलाती है। और तब तक द्वितीय विश्व समाप्त हो चुका होता है और सारे देश में आज़ादी की लहर चल पड़ती है, और उस वक्त मैं काफ़ी बड़ा हो जाता हूँ, वो बड़े हो जाया होते हैं, और वो अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर रामानंदपुरम जाने का परमिशन लेते हैं ताकि वो हाई स्टडी कर सकें। यही था दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।